कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बकरीद से पहले एक बड़ा बयान दे दिया है। खड़गे ने अप्रत्यक्ष रूप से बजरंग दल और गौ रक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वो इन दल से हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को पीट कर जेल में डाल दो। दरअसल बकरीद में एक हफ्ते से कम समय बचा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे गौ रक्षा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। खड़गे ने कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वो इन दल से हैं, उन्हें लात मारो और सलाखों के पीछे डाल दो। अगर कोई खुद नेता है और सांप्रदायिक मुद्दों के नाम पर जहर उगलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अनावश्यक सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहता। पशुधन के परिवहन पर कानून बहुत स्पष्ट है, चाहे वो शहरी सीमा के भीतर हो या ग्रामीण क्षेत्र। यदि उनके पास सही दस्तावेज हैं तो उन्हें परेशान ना करें। बकरीद का त्यौहार विश्व स्तर पर मुस्लिम समुदाय मनाता है। वहीं रिश्तेदारों के बीच कुर्बानी के मांस को भी बांटा जाता है। ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाए, इन्हीं सब को लेकर खड़गे ने ये बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।